गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ओरिएंटेड लेट्स कंटिन्यू फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री दैट इज ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ थाउजेंड ईयर्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज हिस्टोरियंस को अब, मतलब उनको जो चीजें वो लोग पढ़ते हैं या डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं वो उनको कहाँ से मिलता है ठीक है historians use different type of sources to learn about past depending upon the period of their study and nature of the investigation historians अलग अलग sources use करते हैं पास्ट के बारे में जानने के लिए वो सिर्फ एक चीज नहीं पढ़ते हैं सिर्फ एक डॉक्यूमेंट पढ़ के नहीं कोई भी चीज बता देते हैं कि हाँ उस हिस्ट्री में ऐसा होगा नहीं या उस टाइम ऐसा हुआ होगा नहीं वो बहुत सारे सोर्सेस लेते हैं और प्रॉपर उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं उस टाइम के चीजों को देखते हैं उस टाइम के स्क्रिप्ट्स को देखते हैं उस टाइम के मैप को देखते हैं तब वो कोई भी कंक्लूजन पे आते हैं लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोगों ने आपने 6th में गुप्ता डायनास्टी पढ़ा था और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था ठीक है पर हम इस बुक के बारे में कौन से साल से लेके कहां से से कहा तक पढ़ेंगे 700 टू 1750 तक के टाइम का पूरा जो भी इस टाइम में हुआ था वो हम इस बुक में पढ़ेंगे ठीक है यू विल नोटिस सम समुटी इन द सोर्सेज यूज बाई हिस्टोरियंस फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड दिस स्टिल रिलाय ऑन कॉइन्स इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड फॉर इन्फॉर्मेशन और ये सारा इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिला है स्टडी करने पे इंस्क्रिप्शन को स्टडी करने पे आर्किटेक्चर को स्टडी करने पे और टेक्सुअल रिकॉर्ड को कॉइन्स मतलब सिक्के के इंस्क्रिप्शन मतलब जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है ठीक है आर्किटेक्चर यानी की मोन्यूमेंट्स पे किस टाइप की कला बनाई गई है वो देख के टेक्सुअल रिकॉर्ड मतलब टेक्स्ट में जो लिखा जाता है वो ठीक है बट देयर इज ऑल्सो कंसिडरबल डिस्किन्यूटी इस टाइम में भी हम बहुत सारे इंस्क्रिप्शन हमने देखे हैं आर्किटेक्चर देखे हैं टेक्सुअल रिकॉर्ड देखे हैं मिलते भी हैं पर इनमें भी हमें बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है मतलब एक कॉन्टिन्यूटी नहीं है कि हाँ इसके बाद ये आया होगा या इसके बाद ये होगा ये नहीं है ठीक है हम ये कह सकते हैं कि मेडिवल पीरियड में टेक्सचुअल रिकॉर्ड बहुत सारे लिखे गए हैं अगर हम पीरियड के text, के टेक्स्ट रिकॉर्ड्स देखेंगे तो हमें बहुत सारे मिल जाएंगे और इनमें वैरायटी भी बहुत सारी मिल जाएगी ठीक है ये एक मेडिवल पीरियड का बहुत अच्छा क्वालिटी मतलब कह सकते पॉइंट है क्वालिटी है कि मेडिवल पीरियड में टेक्स्टल रिकॉर्ड की भरमार है ठीक है वैरायटी भी बहुत अलग अलग देखने को मिलती है पर धीरे धीरे ये जो इन्फॉर्मेशन लिखे गए थे ना ये धीरे धीरे डिस्प्लेस होते गए यानी कि खोते गए हमें ना क्या है कि हिस्टोरियंस को एक इंस्क्रिप्शन के बाद उसके बाद जो एक्चुअल में दूसरा इंस्क्रिप्शन लिखा है वो नहीं मिला जैसे पहला मिला उसके बाद दो नहीं मिला तीसरा चौथा है पांचवा मिल गया ऐसा है ठीक है तो इससे क्या हो गई है डिसकोटिन्यूटी आ गई है ठीक therefore this दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली इसमें टेक्सुअल रिकॉर्ड इसीलिए भी हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा फेमस है या लिखा गया है क्योंकि पेपर उस वक्त बहुत ज्यादा सस्ता हो गया था चीप हो गया था ठीक है और आगे हम नेक्स्ट देखते हैं और बहुत ज्यादा लोगों को अवेलेबल भी था ये नहीं था कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था या सिर्फ रिच लोगों को ही था या गरीब लोगों को नहीं मिलता था ये नहीं था रेडिली अवेलेबल था आसानी से मिल जाता था और बहुत सस्ता भी था ठीक है इसीलिए कह सकते हैं एक पॉइंट यह भी हो सकता है कि टेक्सचुअल रिकॉर्ड इसीलिए बहुत ज्यादा थे लोग क्या करते थे उन पेपर्स का यूज किस लिए करते थे होली टेक्स लिखने के लिए यानी कि अपने रिलीजन या जैसे कseason, कह सकते हैं हम अपने आ, अपने रिलीजन से रिलेटेड जो टेक्स्ट होते थे कह सकते मंत्र या आरती हो गई या जो भी उनके पवित्र शब्द होते थे वो वो उस पर लिखा करते थे क्रॉनिकल्स ऑफ रूल यानी कि उस रूलर का राज्य करने का टाइम क्या था या कौन से टाइम में उस रूलर ने इस कोई जगह पर राज करा था या कितने दिन तक वो जिंदा रहे थे ठीक है ये सारी चीजें क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स में आती है लेटर्स एंड टीचिंग ऑफ जो उस वक्त साधु अच्छी अच्छी बातें सिखाया करते थे जो कि जैसे सत्य की बातें सिखाया करते थे अच्छी बातें सिखाया करते थे वो सारी बातें भी वो लोग उन टेक्स्ट में रिकॉर्ड किया करते थे और जुडिशल रिकॉर्ड यानी कि उस वक्त उस राजा का क्या राज्य था किस किस बात कौन कौन सी चीजें उस समय की बहुत ज्यादा Uh, प्रभा मतलब उन लोगों को प्रभावित करती है यानी कि कौन कौन से राजा के डिसीजन की वजह से उस राज्य पर असर पड़ा था वो सारी चीजें भी लिखी जाती है जैसे कि जमींदारी सिस्टम हो गया या टैक्सेस हो गया जैसे जमींदारी सिस्टम तो बहुत बाद में आया था जमींदारी सिस्टम हाँ जमींदारी सिस्टम जो राजा राजा क्या करते थे छोटे छोटे अपने मंसबदार बनाते थे उनको बोलते थे कि आप टैक्सेस कलेक्ट करो ठीक है जमींदारी सिस्टम तो बहुत बाद में आया था ठीक है उसके बाद तो वही सारी चीजों को भी वो रिकॉर्ड करते थे और रजिस्टर्स बनाते थे जहां पर वो लोग अपने अकाउंट्स और टैक्सेस का काम करते थे यार, कहते है, खाता, कहते हैं हैं खाता खाता ना हिंदी में खाता बनाना तो वो हो सकता है ठीक है का कलेक्टर सबसे सब, सब पहले मैं ये बताऊंगी की मेन्यू स्क्रिप्ट होता क्या है मेन्यू स्क्रिप्ट वो स्क्रिप्ट होते हैं वो टेक्स्ट होते हैं जो कि हम हाथों से लिखते हैं ठीक है थीके? इसको हम प्रिंट नहीं करते हैं इनको हम खुद हाथों से जैसे कहते हैं कॉपी करना या हाथों से बनाना उनको मेन्यू स्क्रिप्ट बोला जाता है मेन्यू स्क्रिप्ट ज्यादातर वो लोग कलेक्ट करते थे या वो लोग रखते थे जो कि अमीर थे ठीक है या तो वो राजा थे ठीक है रूलर्स रा, राजा ज्यादातर कलेक्ट करते थे या तो अमीर आदमी कलेक्ट करते थे और ज्यादातर ये मंदिर में रहा करता था या मस्जिद में कह सकते हैं वहां रह, रह, रहा करता था मतलब गरीब लोगों को इसकी अवेलेबिलिटी नहीं थी इनको नहीं मिला करती थी ठीक है उसके बाद जब ये टाइम चला गया तो इन सारे मेन्यूस्क्रिप्ट को कहाँ रख दिया गया लाइब्रेरीज में रख दिया गया और आर्चीव्स में रख दिया गया आर्चीव्स वो प्लेस होता है जहां पे इन डॉक्यूमेंट्स और मेन्यूस्क्रिप्ट को स्टोर किया जाता है अभी भी जितने भी हैं वो हमारे नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट के आर्चीव में रखे गए हैं जहां पे वो लोग सारा अपना ओल्ड भी पुराना भी ऑफिशियल रिकॉर्ड रखते हैं और ट्रांजैक्शन रखते हैं कि कब क्या हुआ हमने कितने पैसे किस किस देश को दिए कौन किस टाइम कौन सा हमने रूल निकाला कौन सा खत्म किया कौन से में चेंजेस लाए तो ये सारा किस जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ये सब भी हो सकता है ठीक है तो ये कहाँ पे रखा जाता है आर्चीव में रखा जाता है ठीक है दीज मेन्यू स्क्रिप्ट एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ डिटेल इन्फॉर्मेशन ये मेन्यू हमें डिटेल इंफॉर्मेशन देती है किसको हिस्टोरियंस को पर इनको पढ़ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है इतना आसान नहीं होता है क्योंकि उस समय की लैंग्वेज अलग थी उस समय की लिखावट अलग थी उस समय की मीनिंग अलग था वोकेबलरी अलग था ग्रामर अलग था ठीक है ऐसे हमें मेन्यूज से कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाता है पर प्रॉब्लम ये होती है कि हम थोड़ा हिस्टोरियंस को थोड़ा डिफिकल्टी होती है उनको रीड करने में ठीक है उस वक्त प्रिंटिंग प्रेस नहीं था तो लोग क्या करते थे मैन्युस्क्रिप्ट्स को कॉपी करते थे अपने हाथों से आपको खुद पता होगा कि जब आप अपने फ्रेंड के होमवर्क से कॉपी करते हैं कोई भी सिंपल एक्सरसाइज वगैरह नॉर्मल छोटी सी चीज भी अगर आपको कॉपी करनी है अपने फ्रेंड के नोटबुक से तो बहुत हार्ड होता है अगर हम खुद अपने मन से लिख रहे हैं तो भले हम आधे घंटे की चीज को 15 मिनट में लिख देंगे या 20 मिनट में हार्डली लिख देंगे बट अगर हम कॉपी कर रहे हैं ना तो आधे घंटे की चीज भी हम लोग एक घंटा लगा देते हैं क्यों क्योंकि ना क्या होता है कि जब हम किसी चीज को कॉपी करते हैं सबसे पहली चीज होती है हमें अपने फ्रेंड की राइटिंग उतनी अच्छी तरीके से समझ नहीं आती है ठीक है और कभी कभी हम लोग सेंटेंसेस गलत कर देते हैं कभी कभी अगर हमें कोई चीज समझ नहीं आती है तो हम अपना अपने ही समझ लेके कोई दूसरा वर्ड लिख देते हैं सेंटेंस ही गायब कर देते हैं तो क्या होता है ऐसा ही पहले होता था ठीक है इससे क्या हुआ लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी कोई भी चीज कॉपी करने में ठीक है तो कॉपी करने में क्या हुआ लोग जब हम लोग कॉपी करते थे तो लोगों की रा, राइटिंग अलग हो जाती थी लोगों के मीनिंग्स अलग हो जाते थे लोगों के सेंटेंसेस कहीं कहीं लोग सेंटेंस ही गायब कर देते थे या वर्ड्स ही डिफरेंट लिख देते थे तो उससे क्या हो गया कि बहुत सारे मेन्यूस्क्रिप्ट में चेंजेस आ गए ठीक है यहां पे जैसे लिखा है एज अ रिजल्ट देर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंस छोटे ही होते हैं डिफरेंस पर ये बहुत बड़े आगे जाके प्रॉब्लम करते हैं ठीक है मैं... मैन्युस्क्रिप्ट्स कॉपीिंग इज समवॉट सिमिलर जिस तरीके से आप अपने फ्रेंड के होमवर्क को कॉपी करते हैं उसी तरीके से मैन्युस्क्रिप्ट्स भी कॉपी किए जाते थे एज़ स्क्राइब कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट्स स्क्राइब क्या करते थे जब मैन्युस्क्रिप्ट्स कॉपी करते थे तो उसमें भी ऐसे धीरे-धीरे छोटे-मोटे चेंजेस आ जाते थे कहीं वर्ड्स का हेयरफेयर हो जाता था कहीं सेंटेंसेस गलत लिख देते थे कहीं वो लोग गलत राइटिंग लिख देते थे या कहीं पंक्चुएशन मतलब अलग तरीके से मतलब कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ किसी के हाथ की वजह से चेंजेस आ जाते थे जैसे एग्जाम्पल लेती हूँ तीन दोस्त हैं ठीक है थीके? इन्होंने इसको नोटबुक दी इन्होंने इसको नोटबुक दी ठीक है जब ये लड़का इस लड़के को नोटबुक देगा तो जब वो बच्चा उसका काम नोट डाउन करेगा तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करेगा जैसे उसको कुछ समझ न, उसकी राइटिंग समझ नहीं आई तो उसने अपने मन से एक दो वर्ड्स को चेंज करके लिख दिया ठीक है ठीक पे वर्ड्स का चेंजेस हो गया उसके बाद जब इसने इसको अपनी बुक दी तो इसकी राइटिंग और खराब थी ठीक तो इसको और समझ नहीं आने लग गया तो इसने जब इसको समझ नहीं आया तो इसने क्या करा कि इसने दो तीन लाइन को ही लिखा नहीं और मतलब ती, दो तीन लाइन को ही छोड़ने लग गया दो तीन लाइन लिखता था फिर दो तीन लाइन छोड़ देता था फिर लिखता था फिर छोड़ देता था, था तो इससे क्या हुआ इसकी नोटबुक अलग हो गई इसकी नोटबुक अलग हो गई और इसकी नोटबुक अलग हो गई ठीक है तो वैसे ही में भी भी चेंजेस आते थे। मतलब जैसे-जैसे टाइम जैसे आगे बढ़ता गया ये 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 बढ़ते गए ये नहीं था कि ये कम होते गए डिफरेंसेज भी बढ़ते गए मैं आपको एक इम्पोर्टेंट ये बताऊंगी कि यहाँ पे एक फोटो दे रखी है ठीक है इसके बारे में हम पढ़ेंगे अ पेंटिंग ऑफ अ कॉपी ऑफ अ इंसान बैठे हैं ये क्या कर रहे हैं मेन्यू स्क्रिप्ट को कॉपी कर रहे हैं ठीक है ये जो पेंटिंग है ये 10.5 सेंटीमीटर बाय 7.1 सेंटीमीटर की साइज पे है ठीक है यानी कि बहुत ही छोटी है ठीक उस समय इसको मिनिएचर बोलते थे छोटी सी है इसीलिए इसको मिनिएचर बोलते थे मिनिएचर पेंटिंग्स को मेन्यू स्क्रिप्ट में भी यूज किया जाता था मेन्यू स्क्रिप्ट में भी बनाया जाता था उसको और सुंदर बनाने के लिए मेन्यू स्क्रिप्ट को सुंदर बनाने के लिए ठीक है और फिर क्या हुआ दे सो ब्यूटिफुल दैट लेटर कलेक्टर्स ऑफर ऑफर टिक्स अपार्ट एंड सोलिएचर्स उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ जो इनको मेन्यू को कलेक्ट करते थे उन्होंने क्या किया मेन्यू को अलग कर दिया और मेन्यू में जो ये मिनियचर्स थे उनको निकाल के वो बेचा करते थे क्योंकि ये जो छोटे छोटे पेंटिंग्स होते थे, थे वो बहुत ज्यादा ब्यूटिफुल होते थे बहुत ज्यादा कलर्स का यूज किया जाता था और छोटे होने के कारण बहुत ज्यादा ब्यूटिफुल लगते थे ठीक है अब हम आगे देखते हैं आगे क्या है आगे लिखा है सेम टेक्स्ट बिकम सब्सटेंशियली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर मतलब सेम टेक्स्ट होता था होता तो से सेम ही था मतलब जो पहले बोला गया था मतलब जो सेम जैसे मैंने अभी होमवर्क वाला बताया काम तो तीनों बच्चों का सेम है पर तीनों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है वही है यहां पर ठीक है, है really ये एक बहुत बड़ी इसीलिए क्योंकि हमें इस चक्कर में original manuscript नहीं मिल पाता जो हमें चाहिए होता है और वो मेन्यू जिससे हमें एक्चुअल में इंफॉर्मेशन वहां की पता चल सकती है बिल्कुल सही फैक्ट्स मिल सकते हैं और मतलब उस समय में सच में क्या हुआ था वो पता करने के लिए हमें ओरिजिनल मेन्यूस्क्रिप्ट चाहिए होता है पर इस चक्कर में हमें ओरिजिनल मेन्यू मिलता ही नहीं है और हमें उसके कॉपीज पे ही डिपेंड रहना पड़ जाता है ठीक है एज अ रिजल्ट हिस्टोरियन हैव टू रीड इसके वजह से हिस्टोरियंस को बहुत सारे मेन्यू के वर्जन को पढ़ना पड़ता है ये पता करने के लिए कि इन सब में एक्चुअल वाला कौन सा है यानी कि ओरिजिनल कौन सा है ठीक है क्योंकि बहुत सारे ऑथर्स ने सेम टेक्स्ट को लिखा है पर सब में कुछ ना कुछ वेरिएशन है तो हिस्टोरियंस क्या करते हैं उन सबको पढ़ा करते हैं जिसकी वजह से उन्हें ये पता चल जाए कि एक्चुअल मेन्यूस्क्रिप्ट क्या है क्योंकि एक्चुअल मेन्यूस्क्रिप्ट से ही ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट से ही उनको असली फैक्ट्स फिगर्स पता चलने वाले हैं ठीक है एक बार ये इस पैराग्राफ से पहले हम ये यहाँ पे पढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या दिया है ये भी इम्पोर्टेंट है फिगर टू डिफरेंट काइंड ऑफ हैंड राइटिंग कुड मेक द रीडिंग ऑफ पर्शियन एंड डिफरेंट यहाँ पे जो पिक्चर दे रखी है यहाँ पे अलग अलग टाइप की हैंड राइटिंग है और लिखा सेम ही है मतलब पर्शियन और अरेबिक में ही लिखा है बट राइटिंग की वजह से हमें अलग लग रहा है ये बिल्कुल अलग है ये भी अलग है ये तो बहुत ही ज्यादा अलग है ठीक है द निक स्टाइल ऑन द लेफ्ट इज कर्सिव थोड़ी सी कर्सिव है यहाँ पर ठीक है ये जो नेस्टेलिक साइड है लेफ्ट में सॉरी यहां द ऑन द राइट इज एंड मोर डिफिकल्ट यहाँ पर जो लेफ्ट में दे रखी है जिसे नस्तलिक बोला जाता है ये थोड़ी सी इजी है पढ़ने में क्यों क्योंकि ये कर्सिव में और थोड़ा कह सकते हैं कि स्पेस दिया हुआ है, तब मतलब आसान है पढ़ने में पर इसको पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट है जो कि शिकस्त जिसको बोला गया है क्यों क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंसर है मतलब वर्ड्स को बहुत बहुत ज्यादा वर्ड्स हैं बहुत ज्यादा चिपका चिपका के लिखकर थोड़ा इसको डिफिकल्ट है पढ़ना ठीक है अब नेक्स्ट पैराग्राफ है ऑन ओकेजन ऑथर रिवाइज दीज क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम्स टाइम ओकेजन का मतलब टाइम में और ऑथर्स क्या करते हैं इन सारे क्रॉनिकल्स को रिवाइज करते हैं जो 14th सेंचुरी में क्रॉनिकल थे उनका नाम था जिया बरनी जियुद्दीन बरनी जिन्होंने अपनी क्रॉनिकल लिखी थी सबसे पहले 1356 में ठीक है और उसी का दो वर्जन लिखा था उन्हीं का उसी का वर्जन लिखा था उन्होंने 2 साल बाद सबसे पहला उन्होंने क्रॉनिकल लिखा था 1356 में यानी कि 1356 ईयर्स मतलब टाइम में लिखा था और उन्होंने दो साल बाद उसी का दूसरा वर्जन लिखा था ठीक है दोनों में क्या था दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस था टू डिफर फ्रॉम ईच अदर बट हिस्टोरियंस डिड नॉट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वर्जन द नाइनटीन 19 नाइनटीन uh, तक हिस्टोरियंस को पहले वाले के बारे में कुछ पता ही नहीं था ठीक है और दोनों में जो पहला वाला वर्जन है और दूसरा वाला वर्जन है दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है ठीक है और दोनों को किसने लिखा है ने लिखा है ठीक है थीके? पर नाइनटीन सिक्सटी तक फर्स्ट वर्जन के बारे में हिस्टोरियंस को पता ही नहीं था क्यों क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े लाइब्रेरी के कलेक्शंस में खोई हुई थी मतलब लॉस्ट थी ठीक है 1960 60 के बाद सेकंड वर्जन को पढ़ने के बाद दिमाग लगाने के बाद लोगों को लगा कि नहीं इसकी पहली वर्जन भी होगी लोगों ने फिर ढूंढना शुरू करा और नाइनटीन के बाद बरनी की सेकेंड वर्जन वाली क्रॉनिकल लोगों को मिली ठीक है आज हम यहीं तक पढ़ेंगे यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे ठीक है और कल से फिर आ, कल हम लोग ये नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे ठीक है Don't so, like, share and subscribe. Thank you.